ना रोज ऐसे कपड़े पहना कर, बहुत जचते थारे। बावला है कि वो तो तन्ने कहा कि थारे दोस्त की फैमिली थोड़ी ट्रेडिशनल है, उसकी अम्मा और दादी भी होंगे वहाँ, इसलिए पहन लिए मैंने। नहीं तो हाँ वो मैंने कहा था, हाँ इसीलिए मैंने कहा था कि ऐसे कपड़े पहन की लगे कि किसी की शादी बजा रही हो, काफी ट्रेडिशनल लोग है ना। हाँ 15 मिनट की मुलाकात के लिए तन्ने 1.5 घंटा लगवा दिया हमारा तैयार होने में। सॉरी और थैंक यू, क्योंकि एक तो तुम्हारे को जाने भी दे रही है और दूसरी बड़ी बात कि तुम्हारे साथ भी चल रही है। थारा इतना मन था थारे दोस्त के वहाँ जाने का तो फिर मैं मना क्यों करूंगी। हाँ लेकिन ज्यादा देर ना रुकेंगे वहाँ, थारे को भी मना किया है ना डॉक्टर ने एग्जेशन के लिए बिल्कुल भी, और थारे दोस्त को भी तो निकलना होगा ना एयरपोर्ट के लिए जल्दी। हाँ वो अम्मा ने बता दिया है मैंने, हम चलते हैं। चल आ ये क्या? ये ना सुपर कारव की सुपर सेफ्टी है, लास्ट टाइम ना पापा और सीरत के एंगेजमेंट में रिंग खो गई थी इसलिए। बेटा ये तो हमारे घर की रस्म है, हर सगाई में या तो रिंग खो जाती है या बदल जाती है। इस बार ना ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैंने इस बॉक्स को ना लॉक ही कर दिया। तो इस बार बॉक्स खो जाएगा या बॉक्स की चाबी खो जाएगी? अरे बॉक्स फिक्स है और अगर चाबी खोई तो हम लोग तोड़ के निकाल लेंगे ना रिंग्स, हमने सब कुछ पहले से प्लान करके रखा है। अरे गणपति स्थापना की पूजा शुरू होने वाली है, कोई जाके मनीष और स्वर्णा को तो बुलाओ। हाँ मैं अभी बुला के लाती हूँ। पूजा तो शुरू होने वाली है पर पता नहीं सीरत कब आएंगे। वो नहीं आएगी बेटा, I'm sorry। माँ इन दोनों को देखो, ऐसे ब्लश कर रहे जैसे अभी भी 20 के हुए हैं और अभी भी शादी तय हुई है। 20 साल में शादी नहीं कर सकते। मैं भाभी की बात कर रहा था, आप तो अभी भी 70 के लगते हो। तुम्हारी लंबाई की तरह तुम्हारी जबान भी बहुत लंबी हो गई है। ये पूजा खत्म होने तो बता तो 70। रिलैक्स, जल्दी से पूजा शुरू कीजिए, मुझे प्रसाद खाना है। हाँ लेकिन याद दिलाना मुझे। चलो चलो। प्रथम निमंत्रण आपको, हे गणपति सरकार, पूरे कीजिए काज सब, करिए बिनती स्वीकार। मेरे मामा पापा की एनिवर्सरी आए, बार 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 लगातार लगातार। सॉरी दादी, ऐसे नहीं बोलना था क्या? नहीं नहीं बोल सकते हैं ना, पर मैं तो सच में चाहता हूँ कि मेरे मामा पापा 100 साल जिए और ऐसे ही सबको कपल गोल्स देते रहे। भगवान इसे किस्मत सबको दे, मेरे लिए तो ये सब फेरी टेल जैसा है क्योंकि मेरी लाइफ में एनिवर्सरी जैसा कुछ है ही नहीं। पता नहीं ये दिन मैं कभी लाइफ में देख भी पाऊंगी या नहीं। सच कहे तो भगवान की असीम कृपा रही है हम पे और हमारे परिवार पे जो आज का ये दिन देखने को मिला है, वरना हर किसी के नसीब में कहाँ होता है ये भाग्य। हर किसी के भाग्य में ऐसे मामा पापा भी नहीं होता। मैं सच में बहुत लकी हूँ। कार्तिक तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि मामा पापा तो तुम्हारे ही हैं। अब मेरे भी है और मैं भी बहुत लकी हूँ। सबसे लकी कोई है तो वो मैं हूँ। जो मान सम्मान मुझे इस घर में मिला है माँ जी, मुझे नहीं लगता मैं इसकी हकदार हूँ भी कि नहीं। स्वर्णा बिल्कुल सही कह रही है। क्या माँ, आप इससे कहीं ज्यादा की हकदार। शुरू के कुछ साल मैंने आपसे बदसलूकी की, गलत ढंग से पेश आया ना, सॉरी। तुमने ही कहा था ना कि इस शादी में हम सिर्फ खुशियां मनाएंगे, तो फिर ये सब क्यों? हाँ ये भी ठीक है,
अब से कोई सेंटी बात नहीं होगी सिवाय इसके कि मेरे मामा पापा बेस्ट। And we all love them. Yes. Yes. Welcome, Gunjan. शादी तो हो रही है लेकिन कुछ मिसिंग है कार्तिक। क्या चाचू क्या मिसिंग लग रहा है? पता नहीं बताना मुश्किल हो रहा है लेकिन एक्चुअली वो अब तक कुछ फन शुरू नहीं हुआ ना शायद इसीलिए। हाँ बिल्कुल शायद वो हो सकता है। Okay. No. आ गया फन वो देखो रुक्मिणी दादी जैसे ही मैंने सुना मेरे भैया की शादी होने वाली मैं दौड़ी दौड़ी चली आई। अभी एक भाई अपनी बहन को भूल सकता है लेकिन ये बहन अपने भाइयों को कभी नहीं भूल सकती। लेकिन मैंने तो मानसी को फोन पे बताया था। हाँ हाँ उन्होंने ही मुझे बताया कहा दादी हम तो नहीं जा पाएंगे लेकिन आप जरूर जाइएगा। मैंने कहा ये भी कोई कहने की बात है एक भाई की शादी हो और बहन ना जाए ऐसा कभी हो सकता है? अरे भाई की शादी में कितनी सारी रस्में होती है जो बहन को करनी होती है बस इसीलिए मैं भागी चली आई। खैर अब मैं यहाँ पे कोई नेग लेने के चक्कर में नहीं आई हूँ अपनी बहन होने का फर्ज निभाने आई हूँ। अब वो थाली तो देना। जी जी मैं अपने भैया भाभी को टीका तो करूं। आप दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे। नेग मनीष जी रुक्मिणी दादी सुखी रहो। कैसी है? अब तुमने पूछ लिया मैं अच्छी हो गई। हाँ बस बिन बुलाए आई हूँ। इसका मतलब आप अपनी हैं। ये कोई अपना ही कर सकता है बस आप आई बहुत अच्छा लगा। हाँ अब तो और भी अच्छा लगेगा नाच गाना होगा मस्ती होगी मैं तो बहुत जोर के नाचने वाली हूँ। और पता है आते आते मैं पंडित जी से भी मिलके आई हूँ। क्यों? उन्होंने कहा यहाँ पे अब शुभ दिन शुरू हो गए हैं। अच्छा बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। अगर आपकी इजाजत हो बड़े भैया तो फंक्शन नंबर वन शुरू कीजिए। इजाजत है। सगाई और मेहंदी की फंक्शन शुरू की जाए। अरे अभी से कैसे अभी तो सारे गेस्ट ही नहीं आए। हाँ सीरत और उसकी फैमिली नहीं नहीं वो लोग नहीं आएंगे शायद है ना कार्तिक। अब सीरत यानी वो डुप्लीकेट वाली? अरे डुप्लीकेट नहीं है वो। हम फंक्शन तो शुरू करते हैं आ जाएंगे तो ज्वाइन कर लेंगे। अरे जो के करे है तू रणवीर थारे दोस्त का ही तो घर है तो। हाँ तो जो दोस्त है ना उसी की डिमांड है इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकता तू चल बस। तो मैं क्या करूँ? मेरा पैर लगी था रखो ना। ठीक हूँ मैं पर पता नहीं कितनी देर तक ठीक रहूंगी क्योंकि ये जगह मारी जानी पहचानी ना। अरे ये जगह थारी बात तो थारी सही है ये ना होता हो नहीं लग रहा हमारे को। एक काम करते हैं चल। रणवीर के कर रहा है तू छोड़ मारे को। रणवीर उतार मारे को थोड़ी तबीयत ठीक ना। रणवीर कुछ ना हुआ देख मत कर ऐसा। तू मेन डोर तक मेन डोर पे उतार दूंगा ना तू टेंशन क्यों ले रही है। रणवीर ना कर ऐसा उतार मारे को। रणवीर बस पहुंच गए दो सेकंड में बस पहुंच गए ना तो उतार दे चल उतार दे।
थैंक्स कार्तिक। हे बाप रे, खूब। सरप्राइज था थारे वास्ते। आई होप थारे को मिल गया। चलो अच्छा किया जो आप लोग आ गए, ये काफी बढ़िया सरप्राइज था। वैसे सिर्फ दो ही चौहान सा है, बाकी अम्मा और निधि आ रही हैं थोड़ी देर में, और चौहान सा को मैंने पूछा नहीं। मतलब जी से पहले से? बिल्कुल, कल रात को ही प्लानिंग हो गई थी सारी की शादी पर तो जरूर जाएंगे। एंड नॉट जस्ट दैट, हम यहाँ रुकने वाले हैं पूरे 3 दिन तक। हाँ मैं जानता हूँ कि सीरत ने स्वर्णा आंटी को मना कर दिया था, वो बहुत कॉन्शियस है मेरे तबीयत और हेल्थ को लेकर। ऑफ कोर्स, लेकिन उससे ज्यादा मैं इस बात को लेके कंसर्न था कि जिस फैमिली को सीरत इतना प्यार करती है, इतना मानती है, जिस फैमिली ने सीरत को इतना प्यार दिया है, इतना माना है, उस फैमिली का इतना बड़ा ओकेजन सीरत मिस कैसे कर सकती है। तो बस मैंने भी प्लान बना लिया एक इमेजिनरी फ्रेंड जो कि कंट्री छोड़ के जा रहा है और जाने से पहले मुझे मिलना चाहता है, और इसी बहाने सीरत को उठा के यहाँ ले। और सीरत टेंशन ना ले, अम्मा और निधि हमारा सारा सामान, सारे कपड़े, सब कुछ लेके आ रहे हैं। अरे 3-3 फंक्शन है, इतने सारे चेंजेस होंगे, पर तू टेंशन मत ले। अब डांटना मत यार, प्लीज। डांट नहीं रही रणवीर, पर कार्तिक इसको समझाओ यार, आपको लग रहा हूँ कि किसी भी एंगल से, क्योंकि मेरी तबीयत खराब होने वाली है यार, मुझे ना हर बात पे अंडर एस्टिमेट करती है। अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही है, ओवर प्रोटेक्ट कर रही है, और सही भी है। आपकी तबीयत खराब थी ना, और ये तो बहुत प्यार करती है आपसे, अब इस बात पे कंप्लेंट नहीं कर सकते। अरे नहीं नहीं, मैंने मारका नहीं है, अपर कट लोअर कट सब मार देगी, पूरा प्रैक्टिस मेरे ऊपर शुरू कर देगी। अब तो स्माइल कर दे। अच्छा मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सारे मील्स टाइम पे खाऊंगा, पूरी दवाइयां टाइम पे लूंगा, और रेस्ट भी करूंगा, मैं बहुत मजे करने वाला हूँ। चल हाँ चलो चलो चल। सीरत, अगर अभी तुम्हें कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप लोग प्लीज वापस चले जाइए, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया यहाँ तो जाना मुश्किल हो जाएगा वापस, फिर तो रुकना पड़ेगा। चल रणवीर वापस चलते हैं, चल। रुक, क्या सुपर आदमी है यार, सॉर्टेड है, दोस्ती की है ना तो निभा भी रहे, सारे को परेशान देखा तो, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ तक आने के बाद, हम वापस जाएंगे क्या? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।